हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की पांचवी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 19वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंधेर नगरी। यह एक एकांकी है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद ने लिखा है। इस एकांकी को नाटकीय रूप में लिखा गया है, जिसमें बहुत सारे पात्र हैं। सभी पात्रों के बारे में यहाँ बताया गया है। लेसन शुरू करने से पहले शब्दार्थ पर एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि हमें कहानी अच्छे से समझ आ सके। टका मतलब तांबे या चांदी का पुराना सिक्का जो 2 पैसे के बराबर होता था। कसूर का अर्थ होता है दोष या गलती। नाहक मतलब बिना कारण, विनती, निवेदन या प्रार्थना। हुज्जत बहस या झगड़ा। सबब का अर्थ होता है कारण। मसक चमड़े का बना एक थैला सा, जिसपे कमर पर लादकर भिश्ती घरों में पानी पहुंचाता था। और भिश्ती का अर्थ होता है मशक द्वारा पानी ढोने वाला व्यक्ति। फरियादी का अर्थ शिकायत करने वाला। एकांकी की शुरुआत शहर से बाहर सड़क पर होता है। महंत जी और 2 चेले आपस में बात कर रहे होते हैं। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा है। नारायण दास जो उनका चेला है कहता है, गुरु जी महाराज, नगर तो सचमुच बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। महंत जी बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है पश्चिम की ओर। गोवर्धन दास कुंजरिन से कहता है, क्यों भाजी क्या भाव। कुंजरिन बोलती है, बाबा जी टके शेर। गोवर्धन दास पूछता है, सब भाजी टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके शेर। हलवाई के पास जाकर बोलता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव। हलवाई भी बोलता है, सब टके शेर। गोवर्धन दास बोलता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई बताता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास फिर पूछता है, और राजा का नाम क्या है। हलवाई बताता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास बोलता है, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। हलवाई बोलता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो बोलो। गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। ये सब एक नाटक रूप में खेला जा रहा है। महंत जी बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया है, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बोलता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा मेल मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। महंत जी पूछते हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सभी चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है, जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास बताता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत जी बोलते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो नगर में अब पल भर भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। राजा और मंत्री यथा स्थान बैठे हैं, पर्दे के पीछे दुहाई है कि आवाज़ आती है, राजा कौन चिल्लाता है, उसे तो बुलाओ। 2 सिपाही एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी बताता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। सिपाही दौड़ कर बाहर से बनिए को पकड़ के लाता है। राजा बोलता है, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू बताता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। अब कल्लू को छोड़ दिया जाता है और कारीगर को पकड़ के लाया जाता है। राजा, क्यों ये कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर बताता है, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। कारीगर अब निकाला जाता है और चूने वाला पकड़ के लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा बोलते हैं, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है। फिर भिश्ती से पूछते हैं, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिश्ती बताता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो।
लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मसक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडेरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथों बेची कि मसक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। अब कसाई निकाला जाता है और गडेरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडेरिया बताता है, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैं छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया और मेरा कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ के लाओ। कोतवाल को पकड़ के लाया जाता है। राजा कोतवाल से पूछते हैं, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल कहता है, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। इधर गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा होता है। गोवर्धन दास मन ही मन सोच रहा होता है, गुरुजी ने हमको नाहक ही रहने को मना किया। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या। तभी चार सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही बोलता है, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा जाता है, हैं, यह आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही बोलता है, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही बोलता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि फांसी या मजाक, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास बोलता है, तब भी बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला सिपाही बताता है, बात यह है, कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोगों ने महाराज से विनती की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक मारा जाता हूँ, यह बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी, तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बोलता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। गोवर्धन दास चिल्लाता रहता है। पहला सिपाही बोलता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेकार क्यों शोर करता है? गोवर्धन दास फिर दुखी होकर चिल्लाता है, बोलता है, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। तभी महंत जी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर बोलता है, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत बोलते हैं, कोई चिंता नहीं गोवर्धन दास, सब समर्थ है। भाव चढ़ाकर सिपाहियों से थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही बोलते हैं, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। उसके बाद गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। गोवर्धन दास बोलता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत कहते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए हैं, हमको फांसी चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति आगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी पर कर दोनों हुज्जत करते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं, आपस में बहस और झगड़ने लगते हैं। सिपाही हैरान होते हैं और राजा मंत्री कोतवाल आते हैं वहाँ पे। राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है? सिपाही बोलता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता क्या बात है। फिर राजा गुरु से पूछते हैं, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत बताते हैं, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोलता है, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे।
गोवर्धन दास बोलता है नहीं हमको हुक्म है। तभी कोतवाल बोलता है हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी है, सबब मतलब कारण, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी है। तभी राजा बोलता है चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। इस प्रकार राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। तो यह था भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी कहानी। आई होप पढ़ के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको दोबारा जरूर पढ़िएगा। आगे अभ्यास के प्रश्न में बातचीत के लिए आपके पड़ोस में लगने वाले बाजार में क्या क्या बिकता है, आपके आसपास में जो भी बाजार है वहाँ जो जो कुछ भी बिकता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल में है, हमारे पड़ोस में लगने वाले बाजार में चावल दाल सब्जी कपड़े आदि बिकते हैं, इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं आप। आप कभी बाजार में खरीदारी करने गए हैं, यदि हाँ तो क्या क्या खरीदा और कितने रुपए में। जिस तरह से हाँ मैंने बाजार में अपने लिए 40 रुपए के गेंद तथा 150 रुपए में एक बैट खरीदा। घर पर आप अपनी कौन कौन सी शिकायत माँ से और कौन कौन सी शिकायत पिताजी से करते हैं। जिस तरह से मैं घर पर अपने छोटे भाई की शिकायत माँ से और बड़े भाई की शिकायत पिताजी से करती हूँ कि वे हमें बिना कारण ही मारते हैं। पाठ में से प्रश्न, एकांकी में जो घटनाएं घटी उन पर सही का निशान लगाइए और जो नहीं घटी उन पर गलत का निशान लगाइए। महंत जी ने अंधेर नगरी छोड़ने के लिए कहा सही है, कल्लू किसान की दीवार गिर पड़ी थी नहीं गलत है। कारीगर ने भिस्ती पर आरोप लगाया था गलत है। नगर में सारी चीजें टके से मिलती थी हाँ सही है। सिपाहियों ने फांसी लगाने के लिए महंत को पकड़ा था नहीं गलत है। महंत ने गोवर्धन दास को फांसी से बचाया सही है। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं सही है। महंत ने नगरी को छोड़ने की बात की क्योंकि नगरी में सभी चीजें एक ही दाम पर मिलती थी, जो बताता है कि वहां कोई नियम ही नहीं था। इस वजह से महंत जी ने नगर छोड़ने की बात की। कल्लू ने किसकी और क्या गलती बताई। कल्लू ने कारीगर का दोष बताया कि कारीगर ने दीवार ठीक से नहीं बनाई, इसी कारण दीवार गिर गई। फरियादी ने राजा से क्या फरियाद की। फरियादी ने राजा से फरियाद की कि कल्लू बनिया की दीवार गिर गई, मेरी बकरी उस दीवार के नीचे दबकर मर गई। राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा क्यों सुनाई। राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा इसलिए सुनाई क्योंकि उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, कोतवाल की सवारी के कारण बड़ी भेड़ की जान चली गई। राजा ने स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा। राजा ने स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि इस समय जो मरेगा वह स्वर्ग जाएगा। राजा ने स्वर्ग जाने की लालसा में स्वयं फांसी पर चढ़ने की बात कही। समझ की बात से प्रश्न, अंधेर नगरी में सभी ने नुकसान का कारण दूसरे को ही बताया। अंधेर नगरी में सभी ने नुकसान का कारण दूसरे को ही क्यों बताया। अंधेर नगरी में सभी ने नुकसान का कारण दूसरे को इसलिए बताया कि राजा स्वयं मूर्ख था, उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, लोग उनकी इस कमजोरी को अच्छी तरह जानते थे। नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया है। नगर को अंधेर नगरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां कोई नियम नहीं था और सबको एक समान समझा जाता था, सब्जी एवं मिठाई दोनों समान भाव में बिकते थे। अनुमान और कल्पना से प्रश्न, राजा के फांसी चढ़ने के बाद उस नगर में क्या हुआ होगा। राजा के फांसी चढ़ने के बाद उस नगर की व्यवस्था बदल गई होगी, लोगों ने ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया होगा जो सूझबूझ से निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, अथवा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हुई होगी। अगर आप अंधेर नगरी के राजा होते तो किस प्रकार न्याय करते। अगर हम अंधेर नगरी के राजा होते तो किसी बात की सच्चाई या कारण का पता लगाने के बाद न्याय करते, छानबीन के बाद जो दोषी साबित होता उसे दोष के अनुसार दंड देते, हर वस्तु की सही जानकारी के बाद ही कोई निर्णय सुनाते। टके से, आपके बाजार में ये चीजें किस दाम में मिलती है पता करके बताइएगा। आपके शहर या गाँव में जिस भी भाव में बिकता हो आप यहाँ पे लिखेंगे। हाट बाजार, आपके घर के आसपास लगने वाले बाजार में क्या क्या बिकता है तालिका में लिखिए। खाने पीने का क्या सामान बिकता है, पहनने का क्या बिकता है, ओढ़ने का, नहाने का, पढ़ने का और लिखने के क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। बाजार में आपने कई चीज़ों के विज्ञापन वाले पोस्टर देखे होंगे, विज्ञापन वाले पोस्टरों में क्या क्या होता है। आप लिट्टी चोखा के लिए एक विज्ञापन बनाइए। विज्ञापन बनाने के लिए हम उसमें लिख सकते हैं, यहाँ लिट्टी चोखा सस्ते भाव में मिलता है, कृपया एक बार पधार कर लिट्टी चोखा के स्वाद का मजा लें, देखने या जानकारी लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। भाषा के नियम,
नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। हुक्म का अर्थ आदेश, दुबला कमजोर, सजा दंड, परमेश्वर ईश्वर या भगवान जरूरी आवश्यक। कसूर के आगे बे जोड़ कर बेकसूर शब्द बना है। बे उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ता है। बे उपसर्ग नए शब्द बनाइए। बे ईमान बेईमान, बे सहारा बेताज, बेपरवाह। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलने के अंतर को समझिए। दीवार स्वर्ग ट्रक प्रकांड। अब नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। गोवर्धन बकरी कारीगर ड्रामा वर्षा कर्म ट्रेन प्रकाश राजा विनम्र राष्ट्र क्रम। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यह उसका फल है, आज यही फल मिले। क्या दोनों वाक्यों में फल का मतलब एक ही है? पहले वाक्य में फल का मतलब है नतीजा या परिणाम, दूसरे वाक्य में फल का अर्थ है खाने वाले फलों से है, जैसे केला अमरूद आदि। आप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे शब्दों के मतलब लिखिए। कजरी बोली, अब मुझे सोना है। यहाँ सोना का अर्थ विश्राम करना है। तुषार ने तिजोरी में सारा सोना रख दिया। सोना जो कीमती धातु की बात हो रही है। नदिया के तीर सैर को चलो। नदिया के यहाँ तीर का अर्थ किनारा। तीर निशाने पर लगा, तीर का अर्थ है यहाँ बाण। महंत ने उत्तर दिया, यहाँ उत्तर का अर्थ है जवाब। उत्तर की तरफ देखो, यहाँ पे उत्तर दिशा की बात हो रही है। भेड़ बकरी आदि पशुओं को चराने वाले को गडेरिया कहते हैं। मशक से पानी डालने वाले को भिस्ती कहते हैं। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? दूर की दृष्टि रखने वाला दूरदृष्टा, जो पढ़ाता है अध्यापक, जो गहने बनाता है सुनार, जो अभिनय करने वाला अभिनेता, अभिनय करने वाली अभिनेत्री। पढ़ने का मजा, नीचे एकांकी का एक अंश दिया गया है, साथ ही उसकी घटना से मिलती जुलती एक कविता की कुछ पंक्तियां भी दी गई है। दोनों को पढ़कर बताइए कि आपको किसे पढ़ने में ज्यादा मजा आया और क्यों। एकांकी का अंश, सिपाही हट जाता है, गुरु चेले के कान में कुछ समझाते हैं, उसके बाद गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। महंत जी बोलते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दे। कविता की पंक्तियां, गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्री का कुछ गुनगुनाया, झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, भया उनमें धक्का भरा रेल पेला, गुरु ने कहा फांसी पर चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। आपकी कलम से अंधेर नगरी एकांकी में आपको जो घटना सबसे अच्छी लगी हो उसे कहानी के रूप में लिखिए। तो यह था 19वां पाठ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, प्रध्या रखेगा, धन्यवाद। Thank you.